हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरह से छात्रों का उत्पीड़न किया जा रहा है इस सरकार के अंदर, कभी भी किसी सरकार में इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। इस सरकार चुनाव आते आते जल्दी जल्दी कार्रवाई करने के चक्कर में इन्हीं के भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो उन्होंने ही इसको पर्चे को लीक करवा दिया है। और ऐसे लोगों का योगी जी ने कहा है, क्या नाम है, कि हम बस का किराया देंगे। कि आपको पता है कि 60% लड़कियाँ जो हैं अपने परिवार को लेके आती हैं वहाँ पे देने, उनका खर्चा कौन देगा? और उन्होंने जिनके अरमान खत्म हो गए, जिन्होंने सोचा था कि हम अपने घर का पालन पोषण करेंगे, क्या करा? ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, विफल हो चुकी है। इसीलिए हम आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि ये सरकार को बिल्कुल बर्खास्त किया जाए और जो लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र गुरी है, समाजवादी पार्टी विधान सभा का। लगातार जब से 17 सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने चाहे इतिहास उठा के देख लो, कोई भी पेपर हुआ हो, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो सफल किया हो। कोई पेपर लीक हो जाता है, कहीं कहीं पे इनके मास्टर नहीं पहुँचते हैं। और दूसरी बात, अगर हम जैसे युवा इसका सोशल मीडिया पर विरोध करते हैं तो उसको जेल में डालने का काम करते हैं, क्योंकि इस देश में हमारा अधिकार है विरोध करना। कल की बात है, देवरिया में एक लड़की ने विरोध किया, उसको जेल में रखवा दिया। आप पहली बार अपनी सुरक्षा देखिए, अपनी सिक्योरिटी देखिए कि पेपर आपका लीक कैसे हुआ। आप योगी जी बिल्कुल वीक हैं और उनका पर्चा लीक है। हम तत्काल राज्यपाल महोदय से ज्ञापन देने के माध्यम से कहेंगे कि ये सरकार को बहाल करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि युवा हो, छात्रों, नौजवान हो, किसान हो और मजदूर हो, सरकार में कोई खुश नहीं है, सब परेशान है। हमारी यही मांग है राज्यपाल महोदय से कि सरकार को बर्खास्त किया जाए।